हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग केस स्टडीज से चालू कर रहे हैं। केस स्टडीज़ में आप लोगों को फटाफट ऊपर ऊपर से समझाती जाती हूँ। केस स्टडी किस तरह से पढ़ते हैं पहले वो समझो। केस स्टडी में ना ये तुम लोग जो ऊपर ऊपर से रीड करके आंसर ढूंढने की ट्राई करते हो ना, वो सबसे गलत तरीका है। केस स्टडी का मोस्टली जो क्रक्स होता है ना, वो हमेशा लास्ट पैराग्राफ में होता है। बट तो भी तुम लोग डायरेक्टली लास्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते। क्यों तुम लोग लास्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते? क्योंकि तुम लोगों का ऊपर स्टोरी से जब तक लिंक नहीं होगा, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि लास्ट पैराग्राफ क्या है। ऊपर ऊपर से कभी भी केस स्टडीज़ मत पढ़ना, हमेशा केस स्टडीज़ को डिटेल में ही पढ़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अनूप कौर करके एक पर्सन है, उन्होंने कैट्स आई करके एक कंपनी खोली जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है। उनका मेन पर्पस था साइबर क्राइम को रोकना। वो बहुत हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज थी साइबर सिक्योरिटी के अंदर। धीरे धीरे उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, उनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक बार उनको एक वर्क अलॉकेट किया। बट हुआ क्या, वो इतना ज़्यादा उनके पास वर्क बर्डन आया तो वो सारा काम खुद से हैंडल कर ही नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, दो लोगों को अपॉइंट किया, एक था आरव और एक था प्रांशी। ठीक है, उसके बाद ही फाउंड दैट कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा केपेबल, एंथुजियास्टिक और ट्रस्टवर्दी है। अनूप गौर उस वजह से सिर्फ अपने मेन काम पर फोकस कर पा रहा था। और जो आरव है और प्रांशी, उनको क्या हो रहा था, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी क्या करने के लिए, खुद की स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो ये लोग पूछ रहे, बताओ अनूप ने क्या किया जिस वजह से वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करवा रहा है। यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज होंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने तुमको हमेशा समझाया, जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को काम दिया जाता है तो दिस इज़ डेलीगेशन, और जब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और उसको बॉटम लेवल को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देता है, वो डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, सुपीरियर अनूप गौर ने अपना काम अपने सबऑर्डिनेट आरव और प्रांशी को क्या कर दिया है, डेलीगेट कर दिया। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, डेलीगेशन हुआ है। और यहाँ पे क्या बोला है, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी फोर इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। मतलब ऐसा बोला है, डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस बताओ। तो अपन लोगों को पता ही है डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करवाता है, मैनेजर को कोर फंक्शन में हेल्प फोकस करवाने में हेल्प करवाता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करवाता है। ये सारे फीचर्स, ये सारे इंपॉर्टेंस तुम लोगों को लिख के आना है। सेकंड देखते हैं, किरण इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है ऑफिस फर्नीचर। उनको अपना काम को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना था, उनको अपने मार्केट शेयर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना था। तो उन लोगों को और ज़्यादा अल्टरनेटिव, मतलब और ज़्यादा चीज़ों में जाने का इच्छा हुई। आफ्टर इवेल्यूटिंग वेरियस अल्टरनेटिव, सुखविंदर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड दैट दे शुड एड होम इंटीरियर फर्निशिंग एज ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। वो लोग फर्निशिंग में थे, उन्होंने बोला हमको एक और लाइन ऑफ बिजनेस ऐड करनी है, होम इंटीरियर फर्निशिंग। मैंने तुम लोगों को हमेशा समझाया, जब भी आप लोग एक लाइन ऑफ बिजनेस में, जब आप एक ही प्रोडक्ट हो तो आप लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करने का, फंक्शनल। पर अगर आप लोगों को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन में इंटरेस्ट है तो आप लोगों को कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। देखो यहाँ पे यही पूछा, नेम द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल इनफॉर्मल है। स्ट्रक्चर में क्या क्या है, डिविजनल और फंक्शनल। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क, तुम लोगों को फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर के दो लिमिटेशन बताने। मैंने तुम लोगों को समझाया था डिपार्टमेंट के अंदर क्लैशेस हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर रखा जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, ये वाला तुम्हारा पूरा आया नहीं क्वेश्चन, कोई नहीं, मैं ऐसे ही रीड कर लेती हूँ। रामदास बंदा एक पर्सन था, उनकी एज 49 थी। वो एक एविएशन कंपनी में काम करते थे। ही वॉज अ सीनियर मोस्ट पर्सन। वो अपने जो उनका जो मैनेजर है ना, कनापुति, उनसे भी बहुत ज़्यादा सीनियर थे। उनको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन माना जाता था। उनके ऊपर कोई भी बोलते ना ऑब्लिगेशन और ये सब नहीं थी। उनको जो काम अच्छा लगता था उनको वो काम सौंप दिया जाता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज थे, उनको कभी भी रूटीन डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ क्या, एक बार अब नया एम्प्लॉय आया, एक नया एम्प्लॉय जिनका नाम था नागार्जुन। 33 इयर्स के थे और वो कानापुती ने ही उनको अपॉइंट किया था। नागार्जुन को 3 ईयर का एक्सपीरियंस था और वो बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर थे। बहुत इजीली वो क्या कर सकते थे, अपने काम को वो बोलते ना ग्रैप्स कर लेते थे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो अपने थे ना
रामदास, रामदास को धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी। रामदास बोला, रामदास और है ना ये क्या नाम है नया नागार्जुन है, इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम आने लगी। तो रामदास एक दिन जाके कानापुती जो इनका मैनेजर है ना उनको बोला कि यार ये मेरे बीच बीच में आ रहा है, मुझे तो इस तरह से काम नहीं करना। तो कानापुती ने क्या किया, ताकि प्रॉब्लम ना आए इन इसने कानापुती ने क्लियरली बता दिया कि भाई अब रामदास क्या काम करेगा और नागार्जुन क्या काम करेगा। पहले ये बाइफरकेशन नहीं था, अब इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया कि तेरा क्या काम है और तुझे किस तरह से कौन सा काम करना है, तेरे को किसको रिपोर्ट करना है और किसको किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई। अब तुम लोग बताओ ये सारी चीज़ें क्लियर, अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पहले प्रॉब्लम आई क्यों, क्योंकि पहले क्लियर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ नहीं था और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, जब आप लोगों ने क्लियरली ड्यूटीज़ को असाइन किया और क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन किया। और पूछ रहे हैं कि स्टेट टू पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या दो फायदे हुए, क्या दो फायदे हुए, क्लैरिटी आ गई वर्किंग रिलेशनशिप में कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन काम अच्छा हो गया और बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, रामादास जिसके अंदर अच्छा था उसको वो प्लेस मिल गई और नागार्जुना जिसके अंदर अच्छा था उसको वो प्लेस मिल गई। ठीक है, आगे आते हैं। सान स्पाइसेस लिमिटेड डिफरेंट फूड स्पाइसेस में काम करते थे लाइक राजमा मसाला, छोला मसाला, अलग अलग टाइप के मसाला। मिस्टर राघव द ओनर ऑफ द कंपनी हैज क्रिएटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए परचेज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए। देर आर 30 एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंट टू द कंपनी एज मिस्टर राघव बिलीव दैट बोल रहे हैं कि प्लानिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राघव मानते हैं कि प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकते। सो इन ऑर्डर टू मेक एम्प्लॉय फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव ही इश्यूड इंस्ट्रक्शन दैट ड्यूरिंग वर्किंग आवर ओनली ऑफिशियल मैटर विल बी डिस्कस। ये इन्होंने क्या बोला, ये राघव बोला कि भाई ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए अब वर्किंग आवर के दौरान एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से फालतू की बातें नहीं कर सकते, सिर्फ वर्क रिलेटेड बातें कर सकते। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ही एम्फसाइज ऑन द वर्क परफॉर्मेंस विच इज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसने बोला उसके अलावा आप लोग कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काम रिलेटेड बातें हो, पर्सनल बातें नहीं हो, मतलब ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद स्टेट एनी वन फीचर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर बताने को बोला है, तो फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद वॉट वॉज द ट्रू पर्पज, ऐसा क्यों किया गया, ये इसने ये जो भी अपने मैनेजर है राघव उसने ऐसा क्यों किया कि लोगों को पर्सनल बातें करने से ना बोले। वो नहीं चाहता था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए नहीं क्रिएट करना चाहता था ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद स्टेट टू वैल्यू वायलेटेड बाय मिस्टर राघव, एक बात बताओ यहाँ पे मिस्टर राघव ने ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिसको वायलेट किया है। मिस्टर राघव ने एम्प्लॉय के फ्रीडम को वायलेट किया है, मोर ओवर उन लोगों ने उनकी साइकोलॉजिकल नीड, जो एक पर्सन की साइकोलॉजिकल नीड होती है कि हम लोग थोड़ा सा ब्रेक में अपनी पर्सनल बातें करें, वो भी उसने वायलेट की है। ठीक है, आगे विमल क्लोथ लिमिटेड वॉज मैन्युफैक्चरिंग ओनली फैब्रिक, पहले वो सिर्फ फैब्रिक मैन्युफैक्चर कर रहा था। आफ्टर ग्रेट सक्सेस इन फैब्रिक, बिजनेस डायरेक्टर ऑफ विमल क्लोथ अक्वायर्ड 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टार्टेड सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। उन्होंने अलग अलग फिर क्योंकि उनको इतना ज़्यादा सक्सेस मिल गया तो उन्होंने दूसरा काम भी चालू कर दिया। दे डिसाइडेड दैट द इंडिविजुअल हु हैज कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी हेड यूनिट। उन्होंने बोला जो इस काम को हैंडल करने में ज़्यादा सक्षम होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ये काम सौंप देंगे। द वेकेंट पोजिशन विल बी फुल बाय वुमेन कैंडिडेट ओनली। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे वुमेन को भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ठीक है, ये सब तो छोड़ो, इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विमल डॉट हैव फॉलोड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट एज अ सिंगल प्रोडक्ट उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल, और जब मल्टीपल प्रोडक्ट आ गया तब कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया, उससे डिविजनल, क्योंकि डिविजन में देख रहा है प्रोडक्ट वाइज डिवीजन किया और उसके बाद हेड्स अपॉइंट किए। जब भी प्रोडक्ट वाइज डिवीजन होता है और हेड अपॉइंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चर, ये कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। रोहन अ सोल प्रोप्राइटर वॉज रनिंग फूड कैटरिंग बिजनेस इन नॉर्थ दिल्ली, ही गॉट ग्रेट सक्सेस एंड प्रॉफिट मार्जिन इन द बिजनेस। ड्यू टू एक्सेस डिमांड इन द मार्केट ही एक्सपांडेड हिज बिजनेस एंड सेपरेटेड डिपार्टमेंट इज परचेज प्रोडक्शन। इसने क्या डिपार्टमेंट बनाए, परचेज प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग। ये तो किस बेसिस पे हो गया, फंक्शन के बेसिस पे डिवीजन हो गया, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे
द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल ऑर्डर द स्टाफ दैट दे विल बी अलाउड टू सिट इन स्टाफ रूम सिचुएटेड इन देयर ब्लॉक. नो टीचर विल बी अलाउड टू सिट इन अनदर स्टाफ रूम ड्यूरिंग स्कूल्स आर टीचर कैन मीट ऑफ द डिपार्टमेंट ओनली फॉर द वर्क रिलेटेड मैटर. वापस कि भाई अपने काम सिर्फ काम से काम बात कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, स्ट्रक्चर नहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई. ठीक है, ही वॉन्ट टू टीच ही वॉन्ट ईच टीचर टू स्ट्रिक्टली वर्क एज पर रूल्स एंड डायरेक्शन गिवन बाई हिम. स्टेट द वैल्यूज वायलेटेड. वैल्यूज वायलेटेड में डायरेक्टली वापस हम लोग यही लिख सकते हैं फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयज, और ऊपर जो था तुम्हारा साइकोलॉजिकल नीड वाला. ठीक है, और इसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है. विशाल इज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एन ऑटो कंपनी. ही हेल्ड अ मीटिंग विद प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूडिंग सुपरवाइजर फोरमैन एंड एम्प्लॉय. ही सेट द टारगेट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट इन 1 month एंड अश्योर देम टू गिव फुल कोऑपरेशन. ही डेलीगेटेड पावर्स, पावर डेलीगेशन हुआ है. ठीक है, टू ऑपरेशनल लेवल टू अचीव द टारगेट इन टाइम. आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी विच विशाल कम्युनिकेटेड टू हिज सबऑर्डिनेट एंड एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स. मेरे हिसाब से तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, पर यहाँ पे तुम लोगों को डेलीगेशन दिया हुआ है क्योंकि पावर अलोकेट किया गया है. विशाल इज़ अ प्रोडक्शन मीटिंग प्रोडक्शन. ठीक है सेट 1000 यूनिट. ही डेलीगेट पावर टू द ऑपरेशनल लेवल इन ऑर्डर टू अचीव. एक बार ये क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं. मेरे हिसाब से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, पर इन लोगों ने डेलीगेशन दिया है. मैं एक बार देखती हूँ. A manager increased the production target from 500 and 700 unit per month, but the authority to raw material was not given by him. The employee were not able to. यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, मैनेजर ने प्रोडक्शन 500 से 700 यूनिट बढ़ाने की बात की, बट उसने उनको बोलते हैं ना अथॉरिटी, तो प्रॉपरली अथॉरिटी दे दी, बट सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पर उतनी सामने अथॉरिटी दी ही नहीं उसने. मतलब उन लोगों को रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, क्या नहीं करना है, वो तो दिया ही नहीं. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? आपने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपको सामने उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी. आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रहे हो और उनको अथॉरिटी नहीं दे रहे, तो वो लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है. आगे, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन. देर इज़ अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ जॉब विच इज़ क्लियर एंड डिफाइंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन अ कंपनी, बट पीपल आर नॉट अलाउड टू इंटरैक्ट beyond their official defined role. As a result, the company is not able to adopt the changing business environment. The workforce is also not motivated due to lack of social interaction. The company is facing problem of procedural delays and inadequate recognition to create talent. Suggest how the organization can overcome the problem faced by it. ऐसा बोल रहा है कि भाई एक organization है manufacturing machine manufacture करती है, उसके अंदर सारी चीज़ें बहुत clear है, authority क्या है, responsibility क्या है और accountability क्या है, but वहाँ पर एक दूसरे से बात करने की permission नहीं है. तो ये आप ऐसा बोल रहे, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज भी हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट टाइमली अचीव नहीं कर पा रही है. तो बताओ इस चीज़ का सलूशन क्या. तो उन्होंने बोला कि भाई